अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब तक हम एम्पर सॉ पढ़ चुके हैं, उसकी एक एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं सॉलिनॉइड। अब हम पढ़ रहे हैं क्लोराइड। क्लोराइड जो है वो एम्पर्स की ही एम्पर्स ये जो सॉलिनॉइड है इसकी ही एक फॉर्म होती है। यानी अगर हम सॉलिनॉइड को अगर बैंड कर दें शेप ऑफ अ सर्कल तो वो टोराइड बच जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। इट इज अ पर्टिकुलर कंडक्टिंग शेप इफ वी हैव अ स्प्रिंग बैंड इन द शेप ऑफ अ सर्कल। इसकी खास खास इनकी कंडक्टिंग शेप होती है। अगर हम उस अच्छा अब वो शेप कैसी है, जैसे कि सॉलिनॉइड होता है वो हेलिकल स्प्रिंग या हेलिकल कॉइल का बना हुआ होता है, और उस कॉइल को अगर हम बैंड कर दें इन शेप ऑफ अ सर्कल तो वो क्या बन जाएगा, टोराइड बन जाएगा। यानी हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में होता है, और उसके ऊपर भी जो है टाइटली वाउंडिंग हुई है। ये देखें आपके पास ये बना हुआ है, ये आपके पास टोराइड बना हुआ है, और ये जो है आपने जो है नंबर ऑफ टर्न्स की वाइंडिंग दी हुई है। ये जो है आपने क्या दिया हुआ है, वायर को लपेटा हुआ है इसके ऊपर। ये जो है करंट के इन होने की डायरेक्शन दिखा रहे हैं, और ये जो है करंट के बाहर जाने की डायरेक्शन दिखा रहे हैं। ये जो है आपके पास ये असल में लूप बना हुआ है। यहाँ पर आपने विद इन इस जो टोराइड है इसके विद इन आपने इस टोराइड के विद इन आपने जो है ये एम्पेरियन लूप ड्रॉ किया है, और इसी की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ हुई है। ठीक है, अब विद इन द लूप ये जो आपके पास डिस्टेंस है ये ए है, ये विद इन द लूप सॉरी ये आपके पास इनसाइड द लूप, ये जो इनसाइड द लूप है ये डिस्टेंस आपके पास जो है ए है, और इनसाइड द लूप आपके पास डिस्टेंस ए है, और सेंटर से लेके ये विद इन द जो है आपके पास जो जो लूप विद इन द टोराइड आपके पास है, अब उसका डिस्टेंस आपके पास आर है। जो जो लूप आप आउटसाइड यानी बाहर की तरफ कैलकुलेट करेंगे वो बी होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है ये। अब आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस करंट के क्या है, करंट तो यूं जा रहा है ना, तो इस करंट के डायरेक्टली जो है क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगी और या फिर करंट वहां पर मौजूद नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद नहीं होगी। अब हम पढ़ने जाने हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड। ये एक जो है मैंने एक लिया है, देयर इज अ टोराइड विद एंड विद टर्न डेंसिटी करंट आई फ्लो थ्रू। आपके पास ये मैंने एक सर्कुलर जो है ये वो लिया हुआ है, टोराइड लिया हुआ है, जो कि असल तो में तो ये है ये सोलेनॉइड, लेकिन हमने इसको बैंड कर दिया है सर्कल की फॉर्म में, तो ये जो है अब टोराइड बन गया है। सर्कल की फॉर्म में है, इसमें जो है ये देखें आप इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, करंट यहाँ से इन हो रहा है, और ये जो है करंट ये जो डायरेक्शन दी हुई है करंट की आउट की है, ये करंट की डायरेक्शन आउट होने की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डायग्राम अगर आप देखें, ये देखें आपने विद इन द इसके जो है विद इन द टोराइड आपने जो है ये लूप ड्रॉ कर लिया है, और ये लूप सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपने इसको आर कहा है, और इस पॉइंट पे जाहिर है ये लूप जो बना हुआ है विद इन द लूप, ये जो लूप है ये जो लूप आपने एम्पेरियन लूप ड्रॉ किया है ये विद इन द टोराइड ड्रॉ किया है, तो यहाँ से करंट पास हो रहा है, हर वायर के हर वाउंड में से हर टर्न में से करंट पास हो रहा है। तो हर पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पर अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल आपके पास क्या होंगी, पैरेलल होंगी। किसी भी पॉइंट पे आप ले लेंगे, यहाँ पर भी आपने मैग्नेटिक फील्ड लिखाई है चाहे तो यहाँ भी मैग्नेट, और थ्रू आउट द पूरे एम्पीरियन लूप पे जो कि इस पूरे विद इन द टोराइड जो है बना हुआ है वहां पर आपके पास हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट रहेगी। और ये जाहिर है सर्कल की फॉर्म में है तो आपके पास टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे, एंड क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कैपिटल एन पर यूनिट लेंथ। हर एक एन जो है क्या होगा, वो कैपिटल एन होगा, और एन क्या है वही टोटल जो है ये इसका पूरा टोटल है जो एक मीटर वायर में आपने दिखाया हुआ है। टोटल टर्न्स जो है कितने हैं, एन इंटू टू पाई आर। टू पाई आर जो है असल में इस लूप का सरगम फेरेंस है यानी टोटल लेंथ है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, पहले जो है हम जो है ये एक टोराइड है, हमने जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो हम फाइंड कर रहे हैं ड्यू टू अ टोराइड, मैग्नेटिक फील्ड जो कि हम टोराइड की ले रहे हैं हम तीन तरीके से लेंगे। हम टोराइड जो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोराइड भी लेंगे, फिर इनसाइड द टोराइड भी लेंगे, और विद इन द टोराइड भी लेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। मैंने डायग्राम भी ड्रॉ की हुई है। बी एट द पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी आउटसाइड। अगर हम फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, वी कंसीडर एन एम्पेरियन आउटसाइड अ टोराइड। ये टोराइड मेरे पास बना हुआ है, ठीक है, ये इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, और इस पर जो है हमने फिर इसको बैटरी दी हुई है, ये करंट इसके अंदर जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाता है तो यहाँ से निकल रहा है। ठीक है,
अब क्या किया मैंने जो है सर, बट देर इज नो करंट पासिंग थ्रू इट, दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. ये मैंने ये बात क्यों कही, ये मैंने बात इसलिए कही कि मैंने जो ये देखे एम्पेरियन लूप जो ड्रॉ किया है, ये एम्पेरियन लूप आपके इस टोराइड से क्या है बाहर की साइड पे एम्पेरियन लूप ड्रॉ किया हुआ है, आउटसाइड ड्रॉ किया हुआ है. तो अगर मैं इस पूर किस लूप पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहूँ तो वो जीरो होगी. वो क्यों जरूरी होगी, इसलिए क्योंकि इस पूरे लूप पे कहीं भी करंट का गुजर नहीं है, यहाँ पर कहीं भी हमें करंट नहीं मिल रहा. तो जब करंट ही आपको नहीं मिल रहा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी. तो इसका मतलब है फाइट बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, जो आपके पास आ रहा है ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. इसकी तो आप बात ही नहीं करिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इस एम्पेरियन लूप ने अपने जो आउटसाइड द टोराइट आपने जो एम्पेरियन लूप ड्रॉ किया है वहां पर आपके पास क्या है, वो जो है आपके पास पॉइंट पी जो आपने साइड लिया है सेंटर से लेकर पॉइंट पी तक का डिस्टेंस, इसको आपने आर का नाम दिया है. इस पूरे एम्पेरियन लूप पे कहीं भी करंट आपके पास नहीं गुजर रहा, क्योंकि टर्न्स ही नहीं है, टोराइट ही मौजूद नहीं है वहां पर, टोराइट से बाहर जो है एम्पेरियन लूप ड्रॉ हुआ हुआ है. तो जब है ही नहीं तो करंट का भी गुजर नहीं है, तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी. क्योंकि हमने बात क्या की है, जब आपके पास किसी भी कंडक्टर में से करंट पास होगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी. और अगर वहां पर आपने आपके पास तो जो लूप आपने कंसिडर किया है उस लूप पे तो कहीं भी कंडक्टर या कंडक्टर वहां पर मौजूद नहीं है, यहाँ कोई लूप उस लूप के कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं है जो वहां पर करंट उस लूप में से पास हो रहा हो. जब करंट ही पास नहीं हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट नहीं होगी, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जीरो हो जाएगी. इसकी इक्वेशन वन भी हमारे पास जीरो हो जाती है. नेट करंट आपके पास जीरो है तो आउटसाइड द टोराइड आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी. फिर आप ले रहे हैं बी इनसाइड एट पॉइंट पी. अब आप क्या कर रहे हैं, आपने एम्पीरियन लूप जो है ना, ये जो टोराइड है इसके अंदर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, पास थ्रू द पॉइंट पी. आपने इस पॉइंट को इस यंत्र से लेके यहाँ तक का पॉइंट किसी पे भी इस एम्पेरियन लूप के किसी भी पॉइंट पर आप जो है कहीं भी आप जो है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो देखें क्या होता है, थ्रेडिंग द लूप इज अगेन जीरो. यहाँ देखें आपने जो इनसाइड द टोराइड आपने जो लूप ड्रॉ किया है इस यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, कहीं भी करंट का गुजर नहीं है, क्योंकि आपके पास जो ये बना है ये सिर्फ ये पार्ट बना हुआ है, ये टोराइड है सिर्फ, जबकि आपने इनसाइड द टोराइड आपने अपनी जो है एम्पेरियन लूप ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर करंट का कोई गुजर ही नहीं है. जब करंट का कोई गुजर ही नहीं है तो हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्रिएट ही नहीं होगी. जब वहां पर चार्जेस मूव नहीं कर रहे होंगे, करंट फ्लो नहीं करेगा, जब करंट का ही फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पर क्रिएट नहीं होगी. मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इनसाइड द टोराइड किसी भी पॉइंट पर आप लें एम्पेरियन लूप पे, वहां पर आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि नेट करंट भी आपके पास जीरो है. तो इनसाइड द टोराइड मैग्नेटिक फील्ड भी आपके पास, ये पूरा जो इक्वेशन टू जो आपके पास आ रही है इसकी जो राइट साइड है वो इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी. अब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे विद इन द पॉइंट पी. यानी कहने का मतलब है कि ये विद इन द पॉइंट पी मैंने क्यों बात की, जबकि मुझे विद इन द पॉइंट पी के बजाय मैं यहाँ विद इन द टोराइड भी लिख सकती थी. आपने जो है ये टोराइड जो है आपने एम्पेरियन लूप टोराइड के विदिन जो है वो क्या किया है, ड्रॉ कर लिया है. कंसिडर एम्पेरियन लूप थ्रू पॉइंट पी इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल. कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपने इसको इसलिए कहा है कि ये एक ऐसा सर्कल है, ये एम्पेरियन लूप और ये टोराइड एक ऐसा सर्कल की फॉर्म है जिनका क्या है सेंटर आपके पास क्या है सेम है, कॉन्सेंट्रिक है. ये टोराइड और ये जो एम्पेरियन लूप है इन दोनों का सेंटर एक है. और क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इज अ लॉन्ग एम्पेरियन लूप. और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एम्पेरियन लूप के अलोंग जो है वो क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्यों होगी, क्यों होगी, देखें अभी आपको बताते हैं हम. अगर हम ऊपर वाली डायग्राम में जाएं, ये देखिए ये वाली डायग्राम देखिए, मैंने आपसे क्या की थी कि अगर आपके पास आउटसाइड एम्पेरियन लूप है, करंट का गुजर नहीं हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड वहां भी प्रोड्यूस नहीं होगी, और इनसाइड द टोराइड अगर करंट नहीं गुजर रहा तो वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी. लेकिन अब ये जो आपके पास ये जो टोराइड बना हुआ है, अब इसके विदिन आपने जो है ये एम्पेरियन लूप ड्रॉ कर दिया. अब यहाँ क्या है, यहाँ आपको जो है ना करंट भी मिल रहा है,
जब आपको करंट यहाँ पर मिल रहा है तो जाहिर है जब करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगी विद इन द आपके पास स्टोराइड। जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी तो आपके पास क्या होगा, अगर आप देखें मैंने यहाँ पर ड्रॉ भी किया है ये वाला पॉइंट, देखिए आपने जो है एम्पेरियन लूप अब विद इन द टोराइड लिया है, तो इस किसी भी पॉइंट पर आप ले लें किसी भी एम्पेरियन लूप, जब आपके पास विद इन द टोराइड ड्रॉ हुआ हुआ है विद इन द टोराइड होगा तो आप किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें उस पूरे एम्पेरियन लूप को पे आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास करंट जो पूरे टोराइड में नंबर जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स आपने दिए हैं वो भी इक्वल हैं, तो वहां पर आपके पास करंट भी सेम होगा, और करंट जब मौजूद है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाजमी क्रिएट होगी। तो इसीलिए यहाँ पर भी अलॉन्ग आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये देखिए जो एम्पेरियन लूप बना हुआ है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अलॉन्ग द एक्सेस होगी। ये देखिए मैंने ड्रॉ भी की है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और वो अलॉन्ग द लूप होगी, और क्या होगी वो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द लूप। थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, क्यों जीरो होगा, क्योंकि डीएल और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास दोनों आपस में डीएल और मैग्नेटिक फील्ड आपस में जो है पैरेलल होते हैं, जिसकी वजह से थीटा आपके पास जीरो होगा बिकॉज बी एंड डीएल आर पैरेलल, इनकी डायरेक्शन सेम है। तो फाइव बी डॉट डीएल इसको आप खोल देंगे बी डीएल कॉस थीटा में, थीटा आपके पास जीरो है क्योंकि दोनों पैरेलल है, जब cos 0 है तो ये BDL आ जाएगा। अब आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है, मैग्नेटिक फील्ड को आपने यहाँ लिख लिया ठीक है इंटीग्रल से पहले, और DL पे जो है आपने क्या किया इंटीग्रल अप्लाई कर लिया। आप जो है DL जो है आपके पास क्या है, सिर्फ DL क्या होता है, एक एक अगर आपने सिर्फ एक पॉइंट की बात करें, एक पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड को देख रहे हैं तो वो उसकी लेंथ होती है डीएल, लेकिन अगर आप एवरी पॉइंट पे उस पूरे एम्पेरियल लूप के हर एवरी पॉइंट पे हर एवरी करंट एलिमेंट पे आप जो है क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसकी टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, उसका आप इंटीग्रल ले लेंगे, और वो अगर सर्कल की फॉर्म में है वो लूप तो उसका जो है उसका जो आपके पास जाहिर है उसकी जो लेंथ आएगी टोटल लेंथ वो 2πr होगी ठीक है। तो BDL इज इक्वल्स टू DL की जगह आपने इसको हटाया तो वो किसके बराबर आ गया 2πr। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 ये आपके पास जो है ये है। अब आपने क्या किया, हमने ये भी देखना है कि हमने पूरा लूप लिया है पूरी लेंथ ले रही है उसकी, तो वहां पर हमें जितने जो भी नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं हर पॉइंट पे उसकी लेंथ जब सेम है तो हमने जो है उसका करंट भी निकालना होगा कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स हमें दिए हुए हैं तो हम वहां पर करंट कितना पास हो रहा है, करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप एन एल इंटू आई, एन आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, एल आपके पास लेंथ है, आई आपके पास करंट है, लेंथ क्या है आपके पास 2πr है, क्यों, क्योंकि आप पूरे लूप की बात कर रहे हो पूरे टोराइड की बात कर रहे हो, तो उसको आपने 2πr पुट किया, ये आपके पास करंट आ गया थ्रू द लूप जो गुजर रहा है। फिर आपने क्या किया, एम्पेयर्स लॉ यूज किया, और एम्पेयर्स लॉ में जो म्यू नॉट आई यहाँ पर आई जो आता है उसकी जगह आपने ये पूरी वैल्यू पुट कर दी ठीक है। फिर आपने इस पर इक्वेशन इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 4 और इक्वेशन नंबर 5 को आपने इसकी राइट साइड को दोनों को कंपेयर किया तो आपके पास बी इंटू 2πr म्यू नॉट एन 2πr आई, ये जो है 2πr दोनों साइड पे आपके पास कैंसिल हो जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, फाइनल फॉर्म जो आपके पास आएगी वो मैग्नेटिक फील्ड की म्यू नॉट एन आएगी। अब आप ये देखें आपको कुछ याद आएगा, बड़े मजे की चीज हमने देखी है, पूरी डेरिवेशन कर ली हमने, आउटसाइड द टोराइड हमारे पास क्या हुआ मैग्नेटिक फील्ड जीरो रही, क्यों जीरो रही, क्योंकि आउटसाइड द हमारे पास टोराइड जो एम्पेरियन लूप हमने कंसिडर किया था वहां पर करंट का कोई गुजर नहीं, जब करंट का कोई गुजर नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट नहीं होगी, और इनसाइड द टोराइड वहां पर भी हमारे पास करंट का जो है करंट का कोई गुजर नहीं था, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते वो भी जीरो आती। फिर हमने क्या किया, हमने विद इन द टोराइड हमने एम्पेरियन लूप ड्रॉ किया, पर वहां पर हमने क्या किया मैग्नेटिक फील्ड को निकालने को चाहिए शायद वहां पर आ जाए, और जाहिर अब वहां पर हमने विद इन द टोराइड वहां पर जो है नंबर ऑफ टर्न्स है करंट पास कर रहे हैं करंट वहां पर गुजर रहा है तो क्या होगा उस एम्पेरियन लूप में हमारे पास वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या आ रही है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब मजे की बात है यहाँ पर इसको देखकर मुझे कुछ याद है, हमने इससे पहले भी ये जो इक्वेशन है पहले भी हम देख चुके हैं, इससे मेरे पहले भी हम ये निकाल चुके हैं ना, क्या निकाली बच्चों क्या निकाली है, हाँ टोराइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है बिल्कुल वैसा ही है जब हमने सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी ठीक है। देखिये वहां पर हमने जो है वो रेक्टेंगल की फॉर्म में था,
जबकि अलॉन्ग द सोलिनॉइड हम उसकी लहर निकाल लेते हैं, यानी जो निकाल लेते हैं इनसाइड द सोलिनॉइड हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, लेकिन अलॉन्ग द एक्सिस निकाली थी, लेकिन उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही आई है जो हमारे पास टोराइड की आई है, जबकि टोराइड पे तो हमारे पास लूब हमारे पास किसका है सर्कल की फॉर्म में, लेकिन फिर भी सेम आ रही है. क्यों? क्योंकि टोराइड जो है असल में सोलिनॉइड ही तो होता है, सिर्फ शेप चेंज होती है. तो यहाँ मैंने नीचे जो है इसका आपके पास लिंक भी दे दिया है, यहाँ पर भी लिंक है, यहाँ तक ये हमारा आज का सेशन खत्म होता है. मैंने आपको यहाँ भी जो है लिंक दिया हुआ है, ऊपर सोलिनॉइड पे भी लिंक दिया हुआ है, अगर आप फर्दर इसको मजीद देखना चाहें तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज. आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर, मुझे ज़्यादा दीजिए, कोई भी सवाल हो कमेंट में करके पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ.